मैंने अपने दोस्त को वक्त का मुसाफिर टाइम ट्रैवलर का नाम दिया था, क्योंकि वो हमें बता रहा था कि वक्त या जमाने में सफर करना मुमकिन है। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा खुशी से दमक रहा था। आतिशदान में जलती हुई आग से कमरे का माहौल बहुत खुशगवार था। वो अपनी बात हमें समझाने की कोशिश कर रहा था। शायद वो दुरुस्त भी होगी, मगर बज़ाहिर उस पर यकीन करना मुमकिन ना था। मेरी बात को गौर से सुने। तमाम दुनिया में एक बात मानी जाती है, तस्लीम की जाती है, मगर मैं उससे झुठला रहा हूँ। मैं अपनी बात की सच्चाई में सबूत भी पेश करूँगा। आज तक थ्री डायमेंशंस का तस्वुर ही पेश किया जाता रहा, यानी किसी चीज़ की मौजूदगी उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई से साबित की जाती है, मगर हम वक्त को नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने ये बात दरियाफ्त की है कि वक्त फोर्थ डायमेंशन है, हमेशा अपनी जगह मौजूद रहने वाला। तो हम इसी में सफ़र कर रहे हैं। हम अपनी रफ्तार कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ना सिर्फ गुजरे हुए ज़माने में बल्कि आने वाले वक्त में भी जा सकते हैं। मैं वक्त की ज्योमेट्री पर कुछ अरसे से काम कर रहा था। आप जानते हैं कि हम दाएं बाएं आसानी से हरकत कर सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। कशिश शक्ल की वजह से ऊपर नीचे हरकत थोड़ी मुश्किल होती है, मगर वो भी कर सकते हैं। हाँ, आज तक ये ख्याल किया जाता रहा कि हम वक्त में आगे पीछे आ जा नहीं सकते, सफ़र नहीं कर सकते, हम सिर्फ मौजूदा वक्त में महदूद रह सकते हैं। मैंने ये नज़रिया गलत साबित कर दिया है। दरहकीकत हम अपने दिमाग के ज़रिए वक्त में सफ़र कर रहे होते हैं। चंद दिन पहले जो वाकया मेरे साथ पेश आया था, मैं अपने दिमाग के ज़रिए दोबारा वहाँ यानी गुजरे हुए वक्त में जा सकता हूँ और मौजूदा वक्त को आर्जी तौर पर फरामोश कर दूँगा। मैंने एक मशीन भी तैयार की है जो वक्त में सफ़र कर सकती है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आया था, बल्कि कुछ दोस्त तो हंस रहे थे कि ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। फिर सोचा गया कि अगर ऐसा मुमकिन हो तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। टाइम ट्रैवलर मुस्कुराते हुए अपनी तजर्बागाह में गया और छोटी घड़ी जितनी एक मशीन लाया। कमरे की रोशनी में वो साफ नज़र आ रही थी। ये मेरी उस मशीन का मॉडल है जो वक्त में सफ़र करवाएगी। आप गौर से इसे देखें। जो दस्ता या हैंडल नज़र आ रहा है, उसे आगे करने से ये मशीन अगले ज़माने में ले जाएगी, पिछली जानिब करने से गुजरे हुए वक्त में। मैं अब इसे आगे करके दिखाऊंगा तो ये आपकी नज़रों के सामने से गायब होकर किसी और अगले दौर में पहुंच जाएगी। इसमें कोई जादू या करतब की बात नहीं, ये सच है, बिल्कुल सच। हम सब हैरान थे, क्या ये वाकई मुमकिन था? और फिर मशीन के दस्ते को आगे की जानिब किया गया, हवा का झोंका पैदा हुआ जिससे लैंप का शोला हिला, एक मोमबत्ती बुझ गई, मशीन ने हरकत की और अगले लम्हे मशीन मेज पर मौजूद ना थी, वो गायब हो चुकी थी। हम सब हैरान परेशान बैठे थे, यकीन नहीं आता था कि ये सब कुछ मुमकिन है। मैं अपनी असल मशीन मुकम्मल करने वाला हूँ। जब मुकम्मल होगी तो मैं अपनी मर्जी से वक्त में सफ़र करूँगा। कभी माजी में जाऊँगा, कभी मुस्तकबिल की सैर करूँगा। क्या आप लोग असल मशीन को देखना चाहेंगे? आए दिखाता हूँ। हम उसकी तजर्बा गाह में गए जहाँ मशीन वाकई तैयारी के मराहिल में थी। मैं बहुत संजीदगी से इस पर काम कर रहा हूँ और जल्द ही वक्त की सयाहत इस पर बैठकर करूँगा। इस कुर्सी पर मैं बैठूँगा, इस हैंडल को आगे पीछे करूँगा और बस ये मुझे ज़मानों की सैर करवाएगी, गुजरे हुए और आने वाले दोनों की। हमारा दोस्त इतना अक्लमंद हो सकता है कि ऐसी चीज़ तैयार करे, ये हम यकीन करने के लिए तैयार ना थे।
फिर एक जुमेरात को हम दोबारा उसके घर में मौजूद थे। उसने खाने की दावत दी थी। उसका पैगाम मिला था कि वो देर से आएगा, लिहाजा हम खाना शुरू कर दें। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और वो कमरे में लड़खड़ाता हुआ दाखिल हुआ, फटे हुए कपड़े और पैरों में खून लगा हुआ, हालत ख़राब। उसने पानी मांगा, पिया और कपड़े तब्दील करने चला गया। हम हैरान थे, क्या हुआ? वो बहुत भूखा था, खूब खाना खाया, फिर बोला, दरअसल मेरे साथ अजीबोगरीब हालात पेश आए। ये मेरी वक्त में सफ़र करने वाली मशीन से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच, मैंने मशीन मुकम्मल कर ली है, आएं दिखाता हूँ। तजर्बागाह में मशीन तो मौजूद थी, मगर बहुत पुरानी लग रही थी और कई जगह से टूट भी चुकी थी। वो बोला, मशीन तैयार करने के बाद मैं इस पर बैठा, चलाई, हर चीज हिलती हुई महसूस हुई। बेहद खौफजदा हो गया, लगा कि खुदकशी करने जा रहा हूँ, तो डर कर मशीन रोक दी। महसूस हुआ कि वक्त ने सफ़र नहीं किया, मगर घड़ी देखी तो वक्त तब्दील नज़र आया। दोबारा मशीन चलाई, घर गायब हो गया। दिन रात गुजरते नज़र आए। मैंने सोचा कि अगर मशीन ना रोकी तो कायनात की इब्तिदा तक ना पहुंच जाऊं। मशीन रोकी, मैं एक बाग में मौजूद था। बहुत से लोग मेरे गिर्द नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे। दूर बहुत बड़ी जिसामत का एक सफेद मुजस्मा नजर आया। लगता था वो मुझे देख रहा है। उसके पर भी बनाए गए थे। उस मुजस्मे को देखकर मैंने सोचा, क्या मुस्तकबिल के लोग इस तरह के होंगे? अगर यही बात है तो मुस्तकबिल कुछ अच्छा नजर नहीं आता। दूर बुलंद बाला इमारतें भी नजर आ रही थीं। जो लोग मेरे करीब मौजूद थे उनके कद छोटे थे, 4 फुट के करीब, खूबसूरत लिबास पहने हुए मगर बहुत कमज़ोर। मैं जो पहले वहाँ से अपनी मशीन के ज़रिए भागने का सोच रहा था, उनको देखकर डर दूर होने के बाद भागने का इरादा तब्दील कर चुका था। वो लोग हैरान होकर मुझे देख रहे थे, खुश हो रहे थे, कभी मुझे छूते, कभी मेरी मशीन को। मैंने मशीन का हैंडल अलहदा कर दिया ताकि वो गलती से सफ़र ना करने लगे। खूबसूरत लोग थे। मुझे महसूस हुआ कि ये ज़्यादा अक्लमंद नहीं, बल्कि समझ रहे थे कि मैं सूरज से उतरा हूँ। खूबसूरत फूल मुझे पेश किए। मुझे एक बहुत ही बड़ी इमारत में ले गए, फल खिलाए। वो खुश लग रहे थे। कुछ देर बाद वो मुझे फरामोश करके हॉल से चले गए। मैं समझ चुका था कि मुस्तकबिल के ये लोग ज़हनी तौर पर पसमानदा हैं। सिर्फ बच्चों जितनी उनमें अक़ल है। जितनी देर बच्चा खिलौने से खेलता है, उतनी देर मुझे देकर खुश हुए, फिर छोड़कर चले गए। इस दौरान मैंने उनको अपनी ज़ुबान सिखाने और उनकी सीखने की कोशिश की। हाँ, बताता चलूँ कि जिस जगह मशीन मौजूद है वहाँ ही मौजूद रहती है, सिर्फ वक्त तब्दील होता है। मगर हैरान कुन बात है कि मैंने दरियाए टेम्स को अपनी जगह मौजूद ना पाया। वक्त ने उसका मौजूदा रास्ता तब्दील कर दिया था। उस जगह पर बहुत सी इमारत टूट चुकी थी, मगर उनकी मरम्मत की तरफ तवज्जो ना दी गई थी। और जो इमारत बाकी थी वो बहुत ही बुलंदोबाला और वसीओ अरीस थी। क्या इंसान एक साथ रहना सीख चुका था? एक तरह की जिसामत, एक जैसे कपड़े, हत्ता के आदमियों और औरतों में फ़र्क करना भी मुश्किल था। ना बीमारी, ना लड़ाई झगड़ा, एक खूबसूरत बाग जहां हंसी खुशी लोग जिंदगी बसर कर रहे थे। मुस्तकबिल बुरा नहीं था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि चूंकि उन्हें मेहनत मुशक्कत की आदत ना थी, हर चीज़ बगैर काम के मिल रही थी, इसलिए कद छोटे और जिस्म कमज़ोर थे, जहन भी बेहद कमज़ोर। मैं उस जगह पर आया जहां मशीन छोड़ कर गया था, तो वो वहां मौजूद ना थी। मैं घबरा गया, हैंडल मेरे पास थे इसलिए उसका सफ़र करना मुमकिन ना था।
और इन मासूम लोगों में इतनी अकल ना थी कि उसे किसी और जगह छुपाते। तो ये काम किसने किया? मैं एक अजनबी मुस्तकबिल की दुनिया में मौजूद था और जो मशीन मुझे अपनी असल दुनिया में ले जा सकती थी वो अपनी जगह से गायब थी। मैं सख्त घबरा गया, गुस्से और खौफ की हालत में दोबारा बड़ी इमारत में गया और चीखने लगा कि मेरी मशीन किसने गायब की है। वो घबरा गए, हैरान होकर मुझे देखने लगे। मैंने बाहर आकर मशीन तलाश की, पागलों की तरह इधर उधर उसे ढूंढता रहा, फिर थक हार कर सो गया। सुबह उठा तो जहन पुरसकून था। अगर मशीन नहीं मिलती तो इन लोगों से दोस्ती करके मतलूबा औजार हासिल करके मैं दोबारा उसे बनाना शुरू करूंगा। मुमकिन है इस तरह वापस अपने वक्त में अपनी दुनिया में जा सकूं। मगर मशीन गई कहाँ? मैं मशीन की जगह पर गया और देखा वहाँ बहुत से पैरों के निशान मौजूद हैं, मगर ये तो बहुत बड़े हैं, जैसे किसी जानवर के हों। यहाँ के लोगों के पैर तो बहुत छोटे थे। फिर मुझे वो निशान नजर आ गए जो मशीन को घसीट कर उसी सफ़ेद मुजस्मे तक ले गए थे। बाहर दरवाजे तो थे मगर बंद। अंदर से हंसने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाया मगर ना तो वो खोला गया ना ही कोई जवाब आया। इमारत मजबूत थी और इसे तोड़ना मुमकिन ना था। मेरी मशीन जानबूझकर इस जगह पर छुपाई गई थी। मैंने उस जगह बहुत से कुएं थोड़े थोड़े फासले पर बने हुए देखे, पानी उनमें नज़र ना आया, मगर हाँ मशीनों के चलने की आवाज़ें अंदर से ज़रूर आती थीं। वहाँ के लोगों से ये बात मालूम करने की कोशिश की कि आप लोग तो कोई काम ही नहीं करते, फिर ये बुलंदोबाला बड़ी बड़ी इमारात, कपड़े और दीगर सामान आता कहाँ से है? मगर वो कम अकल लोग मेरी बात समझने और जवाब देने से कासिर थे। ऐसी बात सोचकर अपने जहन को परेशान करना भी नहीं चाहते थे। वो तो हमेशा खुश रहने के ख्वाहिशमंद थे। मैं दरिया के करीब बैठा उन लोगों और अपनी मशीन के बारे में सोच रहा था कि एक लड़की दरिया में गिरी। वो चीख रही थी मगर वहाँ मौजूद किसी शख्स ने उसको बचाने की कोशिश ना की। मैंने दरिया में छलांग लगाई और उस लड़की को बाहर निकाल लिया। उसका नाम वीना था। वो मेरी शुक्रगुजार थी और अब हमेशा मेरे साथ साथ रहती। रात के अंधेरे से बहुत खौफजदा थी, बल्कि उन सब लोगों को मैंने अंधेरे से शदीद डरते देखा। जैसे ही अंधेरा छाने लगता वो डर कर अपनी इमारत में चले जाते और फिर दिन की रोशनी आने तक बाहर ना निकलते। आखिरकार मुझे आहिस्ता आहिस्ता इल्म होने लगा था कि मेरी मशीन किस तरह गायब हुई है। यहाँ के लोग रात को बाहर क्यों नहीं निकलते और अंधेरे से क्यों खौफजदा हैं? इस राज से पर्दा उस दूसरी मखलूक को देखकर उठा जो मुस्तकबिल के उस दौर में मुझे नजर आई। एक रोज रात के अंधेरे में बनमांस की मानिंद मगर सफ़ेद रंग की एक मखलूक मुझे नजर आई। बहुत बड़े जिस्म और चबकती हुई आंखों वाली, बगैर कपड़ों के, जिन्हें देखकर कराहत हो रही थी। अब मैं समझ चुका था कि यहाँ ऊपर खूबसूरत और मासूम मखलूक रहती है और ज़मीन के नीचे बनमांस की तरह की भयानक मखलूक जो काम करती है। कुओं के ज़रिए उनका एक दूसरे से रابطہ है, जबकि ऊपर के लोग आराम की ज़िंदगी बसर करते हैं, बग़ैर काम के रहते हैं। पहले ख्याल था कि बनमांस नुमा ग़ुलाम है, मगर फिर मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ा। ऊपर की मखलूक इलोए और नीचे रहने वाली मोरलॉक कहलाती थी। मुझे अपनी मशीन की फ़िक्र थी, चाहता था कि मरलॉक के कब्ज़े से उसे वापस लूँ। तो एक रोज़ कुएं में उतर गया। वहाँ मुकम्मल अंधेरा था। मैं आगे चलता रहा, जेब में माचिस मौजूद थी, उसे रास्ता देखने के लिए जलाया। मरलॉक ने रोशनी की वजह से मुझे देख लिया। वो मखलूक अंधेरे में रहती थी और रोशनी से दूर भागती थी। माचिस से डर कर वो भागे। मैं आगे गया तो कुछ मरलॉक किसी बड़े गोश्त के टुकड़े को मेज पर रख कर खा रहे थे। मैं समझ गया कि ये इलोही है जिसे ऊपर से पकड़ कर वो लाते हैं और खाते हैं।
دراصل انہوں نے الہے کو سہولتیں اس لیے فراہم کیں کہ وہ اچھی زندگی گزاریں اور جب بڑے ہوں تو مورلوک کی خوراک بنیں۔ شاید پرانے زمانے میں مورلوک غلام ہوتے ہوں گے اور الہے آقا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اور الہے کے آبا و اجداد کی سستی اور تن آسانی کی وجہ سے غلام مورلوک آقا بن بیٹھے، اور اب اگرچہ کپڑے نہیں پہنتے، اندھیرے میں زمین کے نیچے رہتے ہیں، مگر حکمران ہیں اور الہے ان کی خوراک ہیں۔ یہ خطرناک بات تھی اور میں گھبرا گیا تھا۔ مورلوک مجھے بھی ختم کر سکتے تھے، میں اس جگہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی تلاش جاری رکھی اور ایک روز ایک خستہ حال عمارت تک پہنچ گیا۔ شاید یہ ہمارے زمانے کا عجائب گھر اور لائبریری تھی۔ وہاں سے مجھے ماچسیں مل گئیں اور لوہے کا ڈنڈا بھی، جسے میں ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا تھا۔ وینا اب بھی میرے ساتھ ساتھ رہتی۔ رات ہو رہی تھی، مورلوک ہمارے تعاقب میں تھے اور بہت بڑی تعداد میں ہمیں پکڑنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ میں نے بہت سی لکڑیاں چاروں طرف جلا دیں۔ وینا مورلوک کو دیکھ کر ڈر کر بے ہوش ہو چکی تھی اور میں تھکن سے سو گیا۔ آگ سے مورلوک بھاگ گئے، آگ بجھی تو پھر قریب آنے لگے، میں جاگا، دوبارہ آگ جلائی، وہ پھر دور بھاگے۔ بار بار ایسا ہوا کہ میں نے آگ جلائی، وہ بھاگ گئے، میں تھک کر سویا، آگ بجھی اور وہ پھر میرے قریب آ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کے نرم مگر گندے ہاتھ میرے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ میرے ذہن میں معصوم الہے آئے، جنہیں یہ بھیانک مخلوق بھیڑ بکری سمجھ کر کھا جاتے تھے۔ انتقام میرے ذہن میں سوار ہوا اور لوہے کے ڈنڈے سے میں نے کئی مورلوک شدید زخمی کر دیے۔ میں انہیں مار رہا تھا اور وہ مجھے قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر وہ گھبرا کر بھاگے، وجہ جنگل میں لگنے والی آگ تھی جو میری پرانی جلائی ہوئی جھاڑیوں سے پھیل گئی تھی۔ مگر وہ جاتے جاتے وینا کو بھی ساتھ لے گئے۔ میں غصے میں مورلوک کے پیچھے بھاگا، وہ ماتمی آوازیں نکالتے آگ سے بچنے کے لیے بے بسی کی حالت میں بھاگ رہے تھے۔ صبح ہو رہی تھی مگر وینا مجھ سے جدا ہو چکی تھی۔ میں تھکن سے سو گیا، پھر عظیم مجسمے کی طرف گیا۔ ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ جان بوجھ کر کھولا گیا ہے، مگر مجھے اندر داخل ہونا ہی تھا۔ جیسے ہی اندر گیا، کوئی زور سے ہنسا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اندھیرا چھایا، میں نے ماچس جلائی۔ مورلوک مجھے پکڑ رہے تھے، میں انہیں مار رہا تھا۔ مشین سامنے موجود تھی، میں اس کی طرف بھاگا، اس پر بیٹھا اور مورلوک کو پیچھے ہٹاتے ہوئے دوبارہ سفر کے لیے ہینڈل دبایا۔ مشین نے حرکت شروع کی۔ دن رات گزرنا شروع ہوئے، پھر موسم تبدیل ہوئے، صدیاں گزرتی رہیں۔ ہر سیکنڈ میں ہزاروں سالوں کا سفر طے ہو رہا تھا۔ سورج کی جسامت بڑی ہوتی ہوئی دکھائی دی اور سرخی بھی زیادہ نظر آئی۔ پھر محسوس ہوا کہ زمین کی سورج کے گرد گردش تبدیل ہو رہی ہے۔ مشین کی رفتار آہستہ کرنی شروع کی اور پھر ایک جگہ بالکل روک دی۔ اپنے آپ کو سمندر کے کنارے موجود پایا۔ ہر طرف ہریالی تھی۔ پچھلی جانب بہت ہی بڑی جسامت کی سفید رنگ کی ایک تتلی تھی۔ اوہو، یہ کیا؟ ایک بہت بڑی سرخ چٹان میری جانب بڑھ رہی تھی۔ اوف، یہ کتنا بڑا کیکڑا تھا۔ پھر اپنی گردن میں ایک دوسرے کیکڑے کے پنجے محسوس کیے، فوراً مشین کو چلایا۔ ایک مہینے بعد کے وقت میں پہنچا، مگر اس وقت اس سمندر کے کنارے کیکڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ سو سو سالوں کے حساب سے مشین کو آگے لے کر گیا۔ کئی ہزار سالوں بعد کے زمانے میں جا کر روکا، مگر یہ تو بہت ہی خراب موسم کا زمانہ تھا۔ اتنی شدید سردی جس کا تصور ممکن نہیں، ہوا میں بھی صرف برف تیر رہی تھی۔ سورج اور زمین کے درمیان شاید سیارہ اتارت آ رہا تھا، جس سے سورج کی روشنی زمین تک آنا بند ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ سردی سے جان نکلتی، جلدی سے واپسی کا سفر شروع کیا۔
जैसे जैसे अपने वक्त के करीब पहुंचता रहा, जिंदगी के आसार नुमाया होते रहे। अपनी लेबोरेटरी नज़र आ गई और फिर दोस्तों के दरमियान खाने की मेज़ पर मौजूद था। तमाम दोस्त हैरान परेशान बैठे थे। बात ही ऐसी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। कुछ की सोच थी कि ज़्यादा काम करने से दिमाग परेशान है और ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, मगर फिर वक्त के सयाह ने वो फूल निकाले जो वीना ने उसे तोहफे के तौर पर दिए थे। यकीनन वो इस दुनिया से ताल्लुक ना रखते थे। दोस्त अपनी अपनी सोचों के साथ रुखसत हुए। दूसरे दिन मैं टाइम ट्रैवलर से मशीन के बारे में बात करने दोबारा उसके घर पहुंचा, मगर वो जल्दी में नजर आया। टाइम मशीन में बैठा हुआ सफ़र के लिए तैयार था। मुझे कहने लगा, आप बैठे, मैं आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगा। इस मर्तबा मैं कैमरे के साथ जा रहा हूं ताकि आपके लिए सबूत भी लेकर आऊं। मैं ये वाकया जिस वक्त लिख रहा हूं, टाइम ट्रैवलर को गए हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर वो वापस ना आया। क्या कहा जा सकता है, उसकी कभी वापसी होगी भी या नहीं? क्या मालूम वो ऐसे वहशियों में फंस गया हो जो इंसानों को खाते थे, या बहुत बड़ी जिसामत के जानवरों ने उसे मार दिया हो, या किसी बेआबाद जजीरे में अकेला मौजूद हो। मैं मुस्तकबिल के बारे में इतनी अच्छी राय तो नहीं रखता, मगर जब उन दो सफ़ेद फूलों को देखता हूँ जो मुस्तकबिल से टाइम ट्रैवलर अपने साथ लाया था, तो यकीन हो जाता है कि अगरचे मुस्तकबिल के इंसान में जहनी और जिस्मानी ताकत ना भी हुई, फिर भी उसके दिल में हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा तो ज़रूर मौजूद होगा। सवाल, क्या माजी और मुस्तकबिल में सफ़र करना मुमकिन है? जवाब, टाइम और स्पेस के बारे में अजीम तरीन दिमाग अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 में पैदा हुए। इस किताब के मुसन्निफ एच जी वेल्स 1866 में पैदा हुए। ये तो पुरानी बातें हैं, मगर इन दोनों से मुतासिर हमारे दौर के साइंसदान का नाम है रोनल्ड मैलट, जो 1945 में पैदा हुए। 1866, 1879 और अब 1945। रोनल्ड मैलट ने हकीकी टाइम मशीन को साइंसी बुनियादों पर तैयार करने का बेड़ा उठाया। मैं ये बात 2011 में लिख रहा हूँ, और अगर आप 100 साल बाद ये सुन रहे होंगे तो टाइम मशीन हकीकत में आपके पास मौजूद होगी। रोनल्ड मैलट अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे, जो 1955 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो उनसे दोबारा मिलने के लिए उन्होंने बचपन से ही, यानी 10 साल की उम्र से ही, टाइम मशीन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफियत E=mc² और एच जी वेल्स के नावल टाइम मशीन से मदद लेकर आज वो जदीद लेज़र की मदद से और ब्लैक होल्स किस तरह स्पेस और टाइम को हिलाते हैं को देखते हुए हकीकत में टाइम मशीन बनाने में मशगूल हैं। ग्रेविटी कैन इफेक्ट टाइम, लाइट कैन क्रिएट ग्रेविटी, देन लाइट कैन इफेक्ट टाइम। रोनल्ड मैलट ये बात साबित कर चुके हैं कि वक्त में सफ़र मुमकिन है। उनके मुताबिक लेज़र की 4 रोशनियों को इस तरह मिलाएं कि वो घूमने लगें इतनी तेज़ी से कि वो दरमियान के स्पेस और टाइम को हिला डालें। टाइम अपनी जगह से हिल जाएगा और हम मुस्तकबिल में जा सकते हैं। हाँ, एक बात मुमकिन नहीं, ये मशीन मुस्तकबिल में ले जा सकती है, मगर माजी में नहीं। अगर ऐसी मशीन सन 2050 में बनेगी तो आगे के वक्त में ले जाएगी, मगर वापसी सन 2050 तक ही मुमकिन होगी, 2011 में नहीं ला सकती। दूसरी अहम बात, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का नज़रिया है। अगर इस किस्म की मशीन माजी में ले जा सकती है, तो एक आदमी माजी में जाकर अपने दादा जान को मार सकता है। दादा जान तो मर गए, तो किस तरह उसके वालिद और उसकी पैदाइश मुमकिन हो गई? लिहाजा माजी में जाना मुमकिन नहीं।
مگر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایک ہی وقت میں مختلف کائنات ایک طرح کی ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، ایک میں وہ اپنے دادا کو مار بھی دے گا تو دوسری بالکل اس طرح کی کائنات میں اس کا دادا محفوظ رہے گا اور اس کا باپ اور وہ پیدا ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک دلچسپ بات، انٹرنیٹ میں جان ٹیٹر نامی شخص نے سن 2000 کے قریب دعویٰ کیا کہ وہ سن 2036 کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور وقت میں پیچھے کی جانب بھیجا گیا تھا کہ سن 1975 کے IBM کمپیوٹر میں جو پروگرامنگ کی غلطی ہے اسے درست کر سکے۔ اگر وہ درست نہ کی گئی تو اس خرابی کی وجہ سے بروز منگل 19 جنوری 2038 کو بہت سے کمپیوٹر کام کرنا بند کر دیں گے۔ اس خرابی کو یونیکس ملینیم بگ Y2K38 کا نام دیا گیا ہے۔ اس شخص نے بہت سی پیشن گوئیاں بھی کی جن میں سے کچھ درست اور کچھ غلط ثابت ہوئیں، ہے نا دلچسپ بات۔